नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गार्डनिंग संसार के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आप सीखते हैं किचन गार्डनिंग और होम गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स कि गमलों में पौधे को किस तरह से लगाते हैं और अपने छतों पर किस तरह से बागवानी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हाउ टू मेक NPK 19-19-19 एट होम। दोस्तों, आज हम लोग घर पे ही 19-19-19 जो फर्टिलाइज़र है वो घर पे ही बनाएंगे। देखिए, 19-19-19 जो फर्टिलाइज़र है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। सभी हमारे जो किसान लोग हैं और जो नर्सरी वाले जो लोग होते हैं वो 19-19-19 फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं और ये दुनिया भर में प्रयोग करने वाला सबसे बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम लोग फर्टिलाइज़र किनने जाते हैं 19-19-19 तो बहुत ज़्यादा दाम होते हैं, लगभग 80 रुपये केजी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग को इतना महंगा क्यों किनना है जब किचन गार्डनिंग और होम गार्डनिंग करते हैं तो हम लोग को कम अमाउंट में चाहिए। तो हम लोग इतना इतना क्या करेंगे खाद को? खेती बाड़ी तो है नहीं, खेती तो करना है नहीं फ्रेंड। तो आज आपको ऐसा तरकीब बताऊंगा जो आप 35 रुपये केजी आप तैयारी कर लेंगे 19-19-19 और ये बिल्कुल उसी के जैसा क्या वही चीज़ बन जाएगा। ये 19-19-19 वही चीज़ बन जाएगा। इसे बनाने के लिए हमें 3 प्रकार की खादों की आवश्यकता है। पहला है DAP, दूसरा है यूरिया और तीसरा है पोटाश। DAP में नाइट्रोजन की परसेंटेज 18% होती है और फास्फोरस 46% होती है। इसमें पोटेशियम 0% होता है। ये जो परसेंटेज रेशियो है ये 1 kg में होते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा है यूरिया। फ्रेंड्स, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है और फास्फोरस और पोटेशियम की परसेंटेज 0 होती है। इसका भी परसेंटेज रेशियो 1 kg में होता है। तीसरा है फ्रेंड्स पोटाश। ये देखिए, ये पोटाश है। पोटाश में पोटेशियम का जो परसेंटेज होता है वो होता है 60%। इसका भी परसेंटेज रेशियो 1 kg में होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब इसे बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से कितना कितना क्या लेना है हम लोग को। तो मैं आपको 500 ग्राम का बनाना सिखलाता हूँ क्योंकि किचन गार्डनिंग और होम गार्डनिंग के लिए ज़्यादा क्या करेंगे। तो DAP हम लोग लेंगे 200 ग्राम। DAP 200 ग्राम लेंगे। देखिए 200 ग्राम है। यूरिया लेंगे 125 ग्राम। यूरिया 125 ग्राम लेंगे फ्रेंड्स। और पोटाश लेंगे 150 ग्राम। 150 ग्राम हम लोग पोटाश लेंगे फ्रेंड्स। इसका जो परसेंटेज रेशियो है वो केजी में है। तो आइए अब इसका परसेंटेज देखते हैं। DAP 200 ग्राम में नाइट्रोजन हो गया 3.6%, फास्फोरस हो गया 9.2% और इसमें पोटेशियम की तो 0% है, वो नहीं है। अब चलिए यूरिया। यूरिया 125 ग्राम में नाइट्रोजन हो गया 5.7, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की परसेंटेज 0 है। और फ्रेंड्स, पोटाश में हम लोग 150 ग्राम में इसका हो गया नाइट्रोजन हो गया फ्रेंड्स 0%, फास्फोरस हो गया 0% और पोटेशियम हो गया 9%। तो सभी को टोटल करते हैं तो टोटल नाइट्रोजन हो गया फ्रेंड्स 9.3%, फास्फोरस हो गया 9.2% और पोटेशियम हो गया 9%। तो फ्रेंड्स, ये 500 का रेशियो है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये रेशियो परसेंटेज 1 kg में होता है। तो इसे दुगनी कर देंगे तो हो गया 18-18-18। तो फ्रेंड्स, ये 19-19 की जगह काम करेगा क्योंकि इसमें 1% सल्फेट की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स, देखें हम लोग किस तरह से फर्टिलाइज़र NPK 19-19 को तैयार कर लिया मात्र 35 रुपये केजी में। तो अब इसे सभी को एक जगह मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये यूरिया है। सभी को एक जगह मिक्स करेंगे। ये देखिए पोटाश है,
और ये है डीएपी। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे मिक्सर में थोड़ा थोड़ा आप इसे कुतर दें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए फ्रेंड्स। तो इससे हम लोग का जो प्लांट होता है वो हैवी ग्रो करता है और फल फूल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने एनपीके 19-19-19 को तैयारी किया एट होम। तो आप भी करिए और बाज़ार से महंगे एनपीके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 35 रुपये में ही आप बना सकते हैं 1 kg। तो फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए ग्रीन भारत ब्यूटीफुल इंडिया।